घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये कम करने की घोषणा होते ही महिलाओं के चेहरे खिल उठे। खुशी जायज भी थी क्योंकि करीब 1.5 वर्ष बाद गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर बढ़ती कीमत ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था क्योंकि 1,000 रुपये से अधिक कीमत का लोगों ने पहले भी विरोध किया था, लेकिन जब लगा कि अब गैस के दाम कम नहीं होंगे उसके बाद यह विरोध शांत हो गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर घोषणा किया है। गृहिणियाँ काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, और साथ ही यह भी बताया है कि इसी तरह उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लेने वाले जो उपभोक्ताओं को करीब 400 रुपये तक की सब्सिडी को मंजूरी भी यहाँ पे दे दी गई है। बिल्कुल, आपको इस वीडियो में हम लाइव दिखाने वाले हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा जब घोषणा की गई रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कि गैस सिलेंडर अब 200 रुपये दाम कम कर दिए गए हैं, तो क्या अब वर्तमान समय में अभी आप बुक करेंगे तो कितने का आपको गैस पड़ेगा, उसकी प्राइसिंग घटी है प्राइसिंग की वही पहले वाली है, लाइव हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं बुक करके। उसके लिए आपको बुक करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे cx.indianoil.in वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा। हो सके तो ये लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्टली आप इस डैशबोर्ड के पोर्टल पर आ जाएंगे। इस साइट के माध्यम से सिर्फ वही उपभोक्ता बुक कर सकते हैं जो इंडियन गैस में पहले से ही धारक हैं। अन्य किसी अगर उनका है कनेक्शन गैस सिलेंडर का तो वो अपने साइट से बुक करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंडियन गैस सिलेंडर के बारे में बता रहे हैं उन उपभोक्ताओं के लिए जो अभी बुक करेंगे तो उनको क्या प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए देखिए, यहाँ से सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के बाद आपको जो है कि पूरा आपकी डिटेल्स दिख जाएगी, नाम विथ आपकी डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से आपका कनेक्शन है, जहाँ से आपका गैस सिलेंडर आता है आपके दरवाजे पे, उसका डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, आपका पूरी डिटेल्स, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बुक योर सिलेंडर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे बुक योर सिलेंडर पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे बुक योर सिलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बुक योर सिलेंडर में यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, जैसे रिफ़िल सिलेंडर रिक्वेस्ट फॉर, जैसे यहाँ पे कमर्शियल है तो यहाँ पे सिंपली पहले से ही LPG रिफ़िल 14.2 kg का यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी है यहाँ पे रहने देनी है। अगर आपको प्रीफर्ड डिलीवरी चाहिए, यानी किसी दिन तय तिथि के अनुसार आपको चाहिए, उसी दिन उसी समय पे चाहिए, तो प्रीफर्ड डिलीवरी करेंगे। इसमें होता क्या है कि 10-20 रुपये आपके अधिक चार्ज लगते हैं प्रीफर्ड डिलीवरी में, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी आप करेंगे तो जितनी प्राइसिंग आपकी बुक के समय रहेगी उतनी प्राइसिंग ही आपको जो आपका डिलीवरी बॉय है उसको देना पड़ेगा। और उसके बाद प्रीफर्ड डिलीवरी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वीक वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस दिन आप चाहते हैं, और यहाँ पर टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप पहले यहाँ पे दिन सेलेक्ट करेंगे, जैसे सोमवार मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे समय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 8 से 11 के बीच में, 11 से 3 के बीच में, 3 से 6 के बीच में, ऐसे आप प्रीफर्ड डिलीवरी का भी लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम नॉर्मल डिलीवरी ही यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, आपका नेम, कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर नंबर आपका दिख जाएगा, शिपिंग एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, कंज्यूमर यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बुक नाउ का एक आइकन शो हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गैस है वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट के बाद आपका गैस है जो वो बुक हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसको बुक कर देते हैं, और उसके बाद जो इसकी रिसिप्ट है, जो इसकी चालान है, वो आपको हम दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो गैस है वो बुक हो चुका है, 14.2 kg का, कमर्शियल है, घरेलू ही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो टोटल प्राइसिंग है वो क्या है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ से। इसकी जो नॉर्मल प्राइसिंग है वो 936 रुपये पड़ी है, CGST इसमें 23.405 यहाँ पे रुपये लगा है, और यहाँ पे SGST 23 रुपये लगा है, यानी CGST यानी सेंट्रल GST, SGST यानी स्टेट GST, और इस प्रकार से फाइनल जो प्राइसिंग आपकी हो जाएगी 983 रुपये। तो 983 रुपये आपकी ओवरऑल जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा डिलीवरी बॉय को जब आपका गैस सिलेंडर आपके दरवाजे पे आएगा। तो आप देख सकते हैं जो पिछला जो गैस था, यानी जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के घोषणा के पहले जब गैस हम लोगों ने यहाँ पे रिफ़िल करवाते थे, तो वहाँ पे जो प्राइसिंग कितनी पड़ती थी वो भी हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पिछले मंथ का है, तो आपको बता दें कि पिछले मंथ में गैस सिलेंडर के कितने दाम पड़े थे कमर्शियल घरेलू उपभोक्ताओं को। तो देखिए यहाँ पे प्राइसिंग इसकी जो नॉर्मल थी वो 1126 रुपये थी, CGST यानी सेंट्रल GST 28 रुपये लगा था, और SGST स्टेट GST जो है कि 28 रुपये लगा था, और इस प्रकार से जो फाइनल प्राइसिंग यहाँ पे हो गई थी आपकी 1183 रुपये। तो 1183 रुपये आपकी हो गई थी फाइनल प्राइसिंग जो आपको देनी होती थी डिलीवरी बॉय को। लेकिन अभी जो मैंने पिछला चालान दिखाया है, वो अभी करंटली बुक किया है मैंने, तो वो 983 रुपये। तो 983 और 1183 यहाँ पे देख सकते हैं, 200 रुपये का जो यहाँ पे डिफरेंस है,
यानी अब जब आप अपनी कमर्शियल घरेलू सिलेंडर जो है कि आप बुक करेंगे, चाहे किसी भी का आपका कनेक्शन हो, इंडियन गैस का हो या इसके अलावा किसी का भी हो, सिर्फ आपको बुक करना है। बुक करेंगे तो आपको जो है कि 200 रुपये की यहाँ पर छूट अभी दिखाई दे रही है, लाइव आपके सामने मैंने यहाँ पर दिखाया है, देख सकते हैं आप 983 रुपये की आपकी पड़ जाने वाली है फाइनल प्राइसिंग। तो जितने भी लोग थे अगर वो सोच रहे थे कि क्या अभी भी पुराने वाली प्राइसिंग में ही हमारी गैस सिलेंडर मिल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप किसी साइबर कैफे से बुक वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करवाइएगा, नहीं तो इस साइट में सिंपली लॉगिन करने के लिए आपको अपनी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन अपनी खुद की अकाउंट इसमें कैसे बनाए बुक करने के लिए, इसकी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल जो लोग इस शक में थे कि क्या जो प्राइसिंग है गैस की वो घटी है कि नहीं घटी है, तो 100% आपको बता दे कि जो प्राइसिंग है वो घटी है यहाँ पे 200 रुपये, मैंने लाइव आपको बुकिंग करके भी यहाँ पे दिखाया है और विथ चलान के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपको बता दे कि जितने भी उज्ज्वला के धारक है, गृहिणियाँ हैं, अगर उनको वो बुक करेंगी तो 400 रुपये की यहाँ पे सब्सिडी की भी यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा कहा गया है, तो उनको 400 रुपये सब्सिडी के रूप में भी मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी उपभोक्ता हैं, इंडियन गैस के धारक हैं, अगर वो उनको बुक करने में कोई परेशानी हो रही थी अपनी गैस सिलेंडर को, तो इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा और गैस की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आया है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।